अज्ञातवास के समय जब पांडव विराटनगर में अपनी पहचान छिपाकर रह रहे थे, तब दुर्योधन द्वारा विराटनगर पर आक्रमण किया गया। ऐसे में वृणला के वेश में अर्जुन राजकुमार उत्तर के साथ कौरव सेना का सामना करने के लिए गए। पांडवों ने अपने अस्त्र शस्त्र एक समी वृक्ष पर छिपा कर रखे थे। युद्ध से पूर्व अर्जुन अस्त्र शस्त्र लेने के लिए वृक्ष की ओर गए। कौरवों ने वृणला वेशधारी अर्जुन को रथ पर चढ़कर समी वृक्ष की ओर जाते हुए देखा तो वे अर्जुन के आने की आशंका से मन ही मन बहुत डरे। तब द्रोणाचार्य ने पितामह भीष्म से कहा, गंगा पुत्र, ये जो स्त्री वेश में दिखाई दे रहा है वो अर्जुन सा जान पड़ता है। इधर अर्जुन रथ को समी वृक्ष के पास ले गए और उत्तर से बोले, राजकुमार, मेरी आज्ञा मानकर तुम जल्दी ही वृक्ष पर से धनुष उतारो। उत्तर को वहां 5 धनुष दिखाई दिए। उत्तर पांडवों के उन धनुषों को लेकर नीचे उतरे और अर्जुन के आगे रख दिए। जब कपड़े में लपेटे हुए उन धनुषों को खोला तो सब ओर से दिव्य क्रांति निकली। तब अर्जुन ने कहा, राजकुमार, ये अर्जुन का गांडीव धनुष है। राजकुमार उत्तर ने नपुंसक का वेश धरे हुए अर्जुन से कहा, यदि ये धनुष पांडवों के है तो पांडव कहाँ है? तब अर्जुन ने कहा, मैं अर्जुन हूँ। उत्तर ने पूछा कि मैंने अर्जुन के कई नाम सुने हैं, यदि तुम मुझे उन नाम और नामों के कारण बता दो तो मुझे तुम्हारी बात पर विश्वास हो सकता है। राजकुमार उत्तर के पूछने पर अर्जुन ने अपने निम्न नाम बताए। अर्जुन ने कहा, मैं सारे देशों को जीत कर उनसे धन लाकर धनी के बीच स्थित था, इसलिए मेरा नाम धनंजय हुआ। मैं संग्राम में जाता हूँ तो वहाँ से शत्रुओं को जीते बिना कभी नहीं लौटता हूँ, इसलिए मेरा दूसरा नाम विजय है। मेरे रथ पर सुनहरे और श्वेत अश्व मेरे रथ में जोते जाते हैं, इसलिए मैं श्वेत वाहन हूँ। मैंने हिमालय पर जन्म लिया था, इसलिए लोग मुझे फाल्गुन कहने लगे। इंद्र ने मेरे सिर पर तेजस्वी किरीट पहनाया था, इसलिए मेरा नाम किरीट हुआ। मैं युद्ध करते समय भयानक काम नहीं करता, इसलिए मैं देवताओं के बीच बिभस्तु नाम से प्रसिद्ध हूँ। गांडीव को खींचने में मेरे दोनों हाथ कुशल है, इसलिए मुझे स्वयं सांची नाम से पुकारते हैं। मेरे जैसा शूद्रवर्ण दुर्लभ है और मैं शूद्र कर्म ही करता हूँ, इसलिए लोग मुझे अर्जुन नाम से जानते हैं। मैं दुर्जन का दमन करने वाला हूँ, इसलिए मेरा नाम जिष्णु है। मेरा 10वां नाम कृष्ण पिताजी का रखा हुआ है, क्योंकि मेरा वर्ण श्याम और गोरे के बीच का है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आने वाली हर एक वीडियो का आपको अपडेट मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।